ازگه تصمیم من بانو از ازگه یه ده وری آت سید چپا؟ ده وری گیت آت سید مگه ده وری مندس کردن ده وری گیت من مندس کردن بوچس پاران یدیم بچه تری ز بی موج توی من تو من آت حساب اصلا بوی کارت کار کیا من آت چونه کان سوار این توی من تو من آت کرتا من انصاف جای که بین قسمتا مهربانی کری من مندن انصاف کرتا مگه ده وری مندس کردن جی ده وری کنم نوکری کنم ده وری من بوچ نمی کنم آت بوچ سگر دیمان از کرتن دیوی سان کتر جوان گیس सर हम जेके बैंक के साथ अटैच है एजेंसी के थ्रू हम थे पैराग्रीन के साथ मुझे पिछले 5 साल हो गए जेके बैंक के साथ काम करते हुए लेकिन सर आज हमने हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी हुई है कि कोई एजेंसी आई है उन्होंने हमारी जो पे है पे 7.5 से कट करके 5.5 कर दिए 5.5 हज़ार कर दीजिए अब हम ये चाहते हैं हम चेयरमैन साहब से यही गुजारिश करना चाहते हैं कि वो हमें एक काम करें जो भी ये सैलरी देते हैं वो हमें डायरेक्ट दें हमें फोकस फोकस की कोई ज़रूरत नहीं है हमारे साथ इंसाफ किया जाए और आपको पता है महंगाई आसमान छूने जा रही है आसमान छूने जा रही है आपको खुद ही पता है इस वक्त मतलब तेल का जो 1 लीटर है वो 220 रुपए खाने का तेल है और उसके बाद हम लोग जो है हम शादीशुदा हैं बच्चों वाले हैं बाल बच्चे वाले हैं हमने लोन निकाले लोन भरें बिजली फीस भरें पानी की बिल भरें घर को चलाएँ और 5.5 हज़ार में हम क्या करेंगे और जब हमने 1st तारीख को 2nd तारीख को यहाँ पर हमने प्रेस कॉलोनी में एक पहले भी इंटरव्यू दिया था धरना दिया था उसमें हमने ये कहा था कि ये ब्रोकर्स को खत्म किया जाए एजेंसी हमारे साथ मतलब बिल्कुल एजेंसी हमें नहीं चाहिए नाम निशान अगर चेयरमैन साहब जेके बैंक हमें अगर पानी की गुंट देते हैं वो डायरेक्ट दे हमें नहीं चाहिए ये ब्रोकर उसके बाद उन्होंने हमारे साथ मुतालबा किया था कि 10 तारीख तक आप बैठो बैंक के अंडर काम करो हम आपके साथ इंसाफ करेंगे लेकिन जब 10 तारीख आई आज हम जब जोनल ऑफिस की तरफ बढ़े हमारा धरना हम कम से कम J&K के अंदर 7.5 हज़ार गार्ड हैं उसके बाद जम्मू के साथ नाइंसाफी जम्मू वालों को इंसाफ मिल गया हमने ये भी सुना है कि जम्मू वालों कहा कि आपको वही सैलरी मिलेगी आप अपना काम कीजिए लेकिन कश्मीर वालों के साथ क्यों नहीं जब हम जोनल ऑफिस की तरफ बढ़े हम वहाँ पहुँचे तो हमें कहा कि आपको अंदर नहीं आना है वहाँ पे पुलिस जब पुलिस वालों ने हमारे साथ बात की पुलिस वालों ने कहा कि भाई आपको जमघट नहीं करना है अगर आप जमघट करोगे आपके ऊपर एक्ट लगेगा गुंडागर्दी और क्या है ये अमित शाह साहब उस दिन आए तो कहा कि हम कश्मीर के नौजवानों के साथ बात करेंगे यही है और यहाँ से गए और हम गरीबों के सैलरी के पे एकदम जेके बैंक वाले चेयरमैन साहब से बात करके हमारी सैलरी खत्म और ये जो एजेंसी है ये बाहर की है हम ये चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ किया जाए आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जिस अल्लाह ताला ने हमको पैदा किया आज इसलिए हम मजबूर आ गए हम प्रेस कॉलोनी में कि आज हमारी भाइयों के साथ बच्चों के साथ नाइंसाफी हो रही है क्योंकि इन्होंने 20 साल से काम किया है ATM गार्ड्स है उन्होंने आज बैंक में काम कर रहे हैं आज इनके साथ नाइंसाफी हो रही है कि तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे आज जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ सरासर नाइंसाफी चल रही है हमारा ATM गार्ड 7.5 हज़ार तनख्वाह ले रहे हैं इनको अभी आज बोल रहे हैं कि 2500 हम काटेंगे किस वजह से ये तानाशाही सरकार कब तक चलेंगे ये कब तक हम बर्दाश्त करेंगे मैं इंसाफ चाहता हूँ हमारे जम्मू कश्मीर में जुल्म चल रहा है इंशाल्लाह अल्लाह ताला के मदद से ये मिटाते रहेंगे सब्सक्राइब मेल प्रेस बेल आइकन नेवर मिस एन अपडेट